इस संडे बाइट को हम डीएलएफ के स्टॉक के ऊपर में चर्चा करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक जो मेजर करेक्शन हुआ पिछले 8 महीने के दौरान, 34-35% से स्टॉक अपने पीक से नीचे गिर गया और ड्रॉडाउन देखा गया करीब 34-35% का, तो क्या अब ये करेक्शन की समाप्ति होने के बाद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाली है? इन सब बातों की चर्चा करेंगे, डीएलएफ शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस चार्ट पे, और एक संभावित डीएलएफ शेयर का प्राइस टारगेट क्या हो सकता है उसे निकालने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। डीएलएफ का जो दोस्तों पायस्ट्रॉकी स्कोर है वो 7 है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। लेकिन इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और 1 साल का इसका रिटर्न जो रहा है सिर्फ 5% रहा है 1 साल का। और वहीं अगर उसे बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो उसने अंडर परफॉर्म किया है 2% से बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को। वहीं इसका बीटा जो है काफी ज्यादा है दोस्तों, 1.62 है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो उस सेंस में अगर देखें तो एक रिस्की स्टॉक है। अब डीएलएफ स्टॉक के प्रति अगर इंस्टीट्यूशंस के रुझान को देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को घटाया है दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर्स के दौरान, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कंसिस्टेंटली अपने स्टेक को बढ़ाया है, और पिछले 6 क्वार्टर से अगर देखें तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है, दैट इंक्लूड्स दी लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर ऑफ जून 2022। चलिए अभी एक नजर डालते हैं डीएलएफ शेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज क्या है। अब दो इंपॉर्टेंट न्यूज है डीएलएफ से रिलेटेड दोस्तों, और वो है नंबर 1 कि इसका क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट में एक बढ़ोतरी देखी गई है 39% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं दोस्तों दिल्ली बेस्ड एक एम्बियंस ग्रुप है जिसका काफी बड़ा मॉल है, 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट उसका एरिया है जिसको वो ऑक्शन करने जा रहे हैं, एंड संभावना जताई जा रही है कि डीएलएफ उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसने बेस प्राइस उसको रखी है 366 मिलियन US डॉलर। तो चलिए दोस्तों अब इस ट्रेड वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और डीएलएफ शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, ताकि प्राइस एक्शन को समझ सकें और समझ सकें कि क्या इसमें कोई संभावना नजर आ रही है निवेश करने की या ट्रेडिंग करने की, और क्या पॉसिबल डीएलएफ शेयर का प्राइस टारगेट हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम रेफर कर रहे हैं डीएलएफ शेयर के मंथली प्राइस चार्ट को। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शंस होते हैं जो स्टॉक मार्केट में एक मल्टी बैगर स्टॉक के साबित होने की संभावनाओं को जागृत करते हैं। आपको याद होगा आपके चैनल पे हमने टाटा एलेक्साई के इस प्राइस एक्शन को, सिमिलर टाइप के प्राइस एक्शन को चर्चा की थी आपके चैनल पे, और आप देखिए वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पहले 100 से 600, नाउ 600 के ऊपर लंबी छलांग लगा के वो एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। वैसे कुछ डीएलएफ में प्राइस एक्शन को हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर है तो उसे भी समझ सकें। वैसे अगर आपने 0 to 0 के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो को देखा है तो आपको इसकी जानकारी होगी। यहां देखिए दोस्तों, इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया जनवरी 2008 में 1059 रुपीज 30 नया पैसे का, और आपको याद होगा जनवरी 2008 में ही बेयर मार्केट की शुरुआत हुई, और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड मूव में आ गया, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था, और फाइनली इसने एक लाइफ टाइम लो बनाया फरवरी 2016 में दोस्तों, और वो था 67 रुपीज 15 नया पैसा। इसका तात्पर्य दोस्तों कि वैल्यू इरोजन जो हुआ इस स्टॉक में 93-94% का
प्रीवियस पीक से हुआ, जो लाइफ टाइम पीक था इसका। अब दोस्तों ऐसे स्टॉक में आप देखिए जो चार्ट के फॉर्मेशन बन रहे हैं, जो एक मासिव तरीके से अगर हम यहां देखें तो ये 8 साल तक डाउन ट्रेंडिंग मूव में रहा और उसके बाद में यहाँ लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई। यहाँ देखिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्लियर नजर आ रहा है। लेफ्ट शोल्डर और ये हेड का फॉर्मेशन है, ये राइट शोल्डर है जिसका यहाँ पर मंथली चार्ट में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ अप्रैल 2017 में और सब्सटेंशियल राइज वॉल्यूम में यहाँ देखा गया। अब दोस्तों मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि प्राइस एक्शन को फर्दर हम डिस्कस कर सके। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो मल्टीपल टाइम प्राइस एक रिजेक्शन ले रही थी 247 से 250 के रेंज में, और जिसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ वो हुआ फरवरी 2021 में। एंड वॉल्यूम में सर्च देखिए, कंसिस्टेंटली राइजिंग वॉल्यूम दिखाई दिया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक था। तो अगर हम यहाँ पर इसको टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर जो कितने साल का राउंडिंग पैटर्न था, ये करीब राउंडिंग पैटर्न था दोस्तों 7 to 8 ईयर्स का, जो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ने थ्रोबैक दिखाया और नेक लाइन के ऊपर में सपोर्ट लेके फिर आप देखिए मई 2021 में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो उसने तय कर दिया कि अब 245 से 250 डीएलएफ के शेयर में एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और आप देखिए मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता रहा। यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, ये अपेक्स है, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक राइजिंग टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। अब यहां पर प्राइस का रिजेक्शन की क्या संभावना है, यहां ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पर भी प्राइस का रिजेक्शन है, जो एक पुल बैक हुआ था और मासिव पुल बैक था। ये पुल बैक हुआ था दोस्तों 117 रुपए से, इसने हाई बनाया था 454 का, और यहां पर देखिए लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जो था वो 382.45 था, और प्राइस वैसे हाई तो इसने बनाया 454 का, लेकिन जो वर्डिक्ट था मार्केट का वो 382.45 था। प्राइस उसके ऊपर में क्लोज हुई दोस्तों कब, सितंबर 2021 में, लेकिन सितंबर की कैंडल ने डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं दिया और फिर प्राइस में करेक्शन हो गया, और लेकिन एक नए वर्डिक्ट मार्केट ने दिखाया वो था 413.35 का, जो इसने क्रिएट किया सितंबर 2021 में। तो क्या ये एक नया बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसका अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि प्राइस दोस्तों बहुत लंबी उछाल लगा सकती है डीएलएफ में। इसके अलावा रिसेंट टाइम में देखें, जब ये प्राइस का रिजेक्शन हुआ तो जब करेक्शन हुआ तो ड्यूरिंग द करेक्शन वॉल्यूम जो था घटता हुआ नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि डाउनसाइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं था, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो इसमें से निकल नहीं रहे थे, और यहां पर देखिए प्राइस ने अल्टीमेटली सपोर्ट लिया। और ये सपोर्ट सिग्निफिकेंट क्यों था दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस था। यहां मैं आपको दिखाता हूं, प्राइस का यहां पर मल्टीपल रिजेक्शन है जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का। अगर पिछली इस इंपल्सिव वेव के अगर रिट्रेसमेंट को चेक करें तो ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दर्शा रही है। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस करेक्शन की समाप्ति होने के बाद, वैसे भी जुलाई महीने में देखें तो स्टॉक ने सिंगल मंथ में 23.43% का जंप दिया है। इतना बड़ा जंप दोस्तों तभी होता है जब एक करेक्शन की समाप्ति का इंडिकेशन होता है। अब प्राइस ये सप्लाई जोन तो जरूर है, 382 से लेकर 414 का जो जोन है वो सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को निकालेगा प्राइस कि नहीं निकालेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हम यहां पर प्राइस एक्शन को समझे और ये देखिए इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पर टारगेट निकालें तो इसका अगला टारगेट 548 549 आता है, और जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं
लास्ट वीक की समाप्ति के बाद, और 5 अगस्त को जब मार्केट क्लोज हुआ तो दोस्तों उस समय इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 367.8। तो इवन ये टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, काफी बड़ा टारगेट है। इसके अलावा दोस्तों और हम क्या देख सकते हैं, अगर इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो जिसकी संभावना बहुत प्रबल नजर आ रही है प्राइस एक्शन के अनुसार, तो अगला टारगेट कहाँ आ सकता है, तो अगला टारगेट इसका 1100 रुपए निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक नॉर्मली जब राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता है, वो भी मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम का, तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब वो होगा ऐसा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे स्टॉक में हम प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं और एक आने वाले बहुत बड़े ट्रेंड को राइड करने की संभावनाओं को देख सकते हैं। चलिए अब वीकली प्राइस चार्ट पर चलते हैं ताकि प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कर सकें। अब देखिए रिसेंट टाइम में जब ये करेक्शन हुआ तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, और प्राइस ने दोस्तों कई सप्ताह तक कंसोलिडेट किया, जो टिपिकल साइन है रीअक्यूमुलेशन बैंड का। यहाँ देखिए अक्यूमुलेशन बैंड है, यहाँ रीअक्यूमुलेशन बैंड है, और इस रीअक्यूमुलेशन बैंड के बाहर प्राइस आई 11 जुलाई 2022 को। वॉल्यूम में इंक्रीज बहुत अधिक नहीं था, इंक्रीज था लेकिन एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम फिर भी कम था। लेकिन यहां पर अब क्या नजर आ रहा है, क्या यहां पर हम कोई ब्रेकआउट देख सकते हैं? तो मैं एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन, और इसका एक ऑलमोस्ट डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ 25 जुलाई को, और वॉल्यूम पिछले सेवरल वीक्स के वॉल्यूम से कहीं अधिक था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखें तो ये एक लार्जर इंपल्सिव वेव का इसे पोल के रूप में भी देख सकते हैं, और ये एक पैराबोलिक राइज हुआ है, पैराबोलिक राइज वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो करेक्शन तो संभावित था जब ये प्राइस रेजिस्टेंस के पास में पहुंच रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस में एक्शन है, हम देखेंगे कि एक बार प्राइस अगर 394 के ऊपर जाती है तो ये तेजी से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सकें। रीसेंट टाइम में अगर हम देखें दोस्तों तो पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखिए प्राइस शॉर्ट टर्म बेसिस पर और इंटरमीडिएट टर्म बेसिस पर डाउन ट्रेंड में आ चुकी थी। यहाँ देखिए EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर किया, और EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर किया, और यहाँ डेथ क्रॉस हुआ दोस्तों, यहाँ EMA 55 ने SMA 233 को क्रॉस अंडर किया। लेकिन उसके बाद करेक्शन के बाद यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे अगर हम मोमेंटम स्टडी को स्टडी करें तो क्लियर कट यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा था। प्राइस वॉज मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बट मोमेंटम में लॉस कम नजर आ रहा था। RSI में देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस नजर आएगा। तो क्या ये ट्रेंड की समाप्ति हो गई है? तो यस दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करें तो मैं आपको पहले एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। इस जगह पे देखें ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हायर हाइज का मार्केट स्ट्रक्चर जब बना एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट हुआ 4 जुलाई को। अब ये शायद जो करेक्शन हो रहा है तो ये एक बड़े इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की तैयारी कर रहा है, जो मैं आपको प्राइस चार्ट में खींच के दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन है, और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों ये कहीं ना कहीं राइट शोल्डर बनाने की तैयारी करता हुआ DLF का शेयर नजर आ रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार। तो जैसे ही दोस्तों ये प्राइस आप देखिए, यहाँ प्राइस का रिजेक्शन है, और जो नेकलाइन मैंने खींची है वहां से है, उसका हाई है 393.15। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं एक बार प्राइस 394 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाती है तो आप देखेंगे कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट होता है, और जो प्राइस को अगर शॉर्ट टर्म पे इसके आधार पे टारगेट निकालें, मान के चले यहाँ ब्रेकआउट होगा तो 460 का टारगेट निकल के आ रहा है। टारगेट्स दोस्तों हमेशा नोशनल होते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में होती है ट्रेंड को राइड करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाना, ताकि हम रिस्क को भी मैनेज कर सकें और आने वाली संभावनाएं जो हैं
उसको देख सके, बड़े इंपल्स की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए और ट्रेंड को तब तक राइड करें जब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न प्राइस चार्ट पे नजर ना आए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि डीएलएफ के शेयर के ऊपर में ये डिटेल एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब चैनल पे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।